नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि जनता ने सरकार बदलने का मूड बना लिया है और आज मतदान होने के बाद 8 दिसंबर को यह साफ हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आ रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से आम जनता परेशान हुई है। शर्मा ने कर्मचारियों को उनका हक देने की बात भी कही। आनंद शर्मा ने कहा कि भाजपा ने जनता को गुमराह करने का काम किया है, ताकि तमाम कर्मचारी हिमाचल में भी, गुजरात में भी और बाकी राज्यों में संतुष्ट। कांग्रेस इसके लिए वचनबद्ध है। जो पहले त्रुटियां हुई हैं सरकारों से, गलती से सबक देखना चाहिए। एम्प्लॉयज का जो कर्मचारी है वर्ग है, उनकी भावनाओं, उनकी तकलीफ को समझना चाहिए। यही अपेक्षा सरकार से होती है। दूसरा, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, खास तौर पे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, युवा बेरोजगारी 22.5% है और वो चिंता का विषय है, क्योंकि इतने भारी संख्या में नौजवान बेकार हो, उनके सामने अंधकार हो, वो अच्छा नहीं है। ये भी एक विषय है। महिलाओं के लिए उनको सशक्तिकरण करना है, उनको हर महीने कुछ मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए, उसका प्रावधान ने कहा है। मैं उन मुद्दों को नहीं दोहराऊंगा, अब तो मतदान हो रहा है और अग्निपथ जो सेना में भर्ती की लाए हैं उसका हमने विरोध किया है। वो एक बहुत ज्यादा चिंता का भी विषय है आने वाले वर्षों के लिए भारत की। शर्मा जी, इन चुनावों में आप इतने एक्टिव नहीं दिखे जितने कि पुराने चुनावों में आप एक्टिव होते थे। मैं इसको खारिज करता हूँ। जहाँ जहाँ मुझे बुलाया गया, जहाँ जहाँ बुलाया गया, हर स्थान पे गया। मैंने किसी उम्मीदवार को मना नहीं किया। मेरे बड़े जलसे हुए हैं, ये अलग बात है कि शायद मेरे जलसे बहुत नेताओं से बड़े हुए हैं जिन्होंने कवर किया है और आप लोगों को मालूम है। मैं दाहोल स्पीति तक गया हूँ। तो भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि मैं किसी के ऐसे विषय पे और किसी दूसरे के बयान पे कभी टिप्पणी नहीं करता। मैं कभी गई है, अब चुनाव हो चुका है अध्यक्ष का, अब आप अभी ये चुनाव हो रहा है हिमाचल का। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिलेगा, उनका चेहरा सामने आ चुका है। ये बीजेपी की बी टीम है, वोट काटने के लिए आती है ताकि कांग्रेस का नुकसान हो। उनको कोई सीट नहीं आएगी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना।